नमस्कार, इवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने हाल ही में पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड्स का दौरा किया। वहीं पीएम मोदी का नीदरलैंड्स का दौरा काफी चर्चा में है। बता दें कि पीएम ने नीदरलैंड्स में अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से भोजपुरी भाषा में पूछा, का हाल बा, यानी क्या हाल है। पीएम मोदी के इतना कहते ही भीड़ में काफी उत्साह बढ़ गया। राष्ट्रपति पद के लिए मीरा कुमार ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले राजग उम्मीदवार रामनाथ कोविंद सहित 64 नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं। बता दें कि नामांकन भरते वक्त मीरा कुमार के साथ सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और 17 विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे, लेकिन मायावती, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला और अजीत सिंह जैसे दिग्गज नदारद रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी 30 जून की आधी रात को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लॉन्च करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राष्ट्रपति की मौजूदगी में जीएसटी को प्रधानमंत्री कैसे लॉन्च कर सकते हैं, यह अस्वीकार्य है। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा के लिए सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना हुआ। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने जम्मू बेस शिविर से अमरनाथ यात्रा के पहले बैच को करीब सुबह 4:30 बजे हरी झंडी दिखाई। बता दें कि पवित्र गुफा में शिवलिंग के पहले दर्शन 29 जून को होंगे। हरियाणा सरकार की एक पत्रिका में छपी तस्वीर के साथ लगे कैप्शन में घूंघट को राज्य की पहचान बताया गया है, जिससे विवाद पैदा हो गया है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि ये भाजपा सरकार की पिछड़ी सोच को दिखाता है। हालांकि वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा नेता आजम खान ने सेना पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में महिलाओं ने फौजियों के अंग काट लिए, असम और झारखंड में भी महिलाओं ने फौजियों को पीटा है। साथ ही कहा कि देश बैलेट की जगह बुलेट के मार्ग पर चल पड़ा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। सामना में लिखा गया है कि पीएम ने जिस तरह अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला देकर कड़ा संदेश दिया, उसके लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अलगाववादी और हुर्रियत नेताओं को पूछताछ के लिए एक बार फिर से दिल्ली बुलाया। जिन नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है उनमें अल्ताफ फंडूश, बिट्टा कराटे, गाजी जावेद बाबा, नईम खान, महराजुद्दीन और आयाज अकबर शामिल है। इनसे पहले भी दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में पूछताछ की जा चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने देश भर में भीड़ के हाथों कई लोगों के मारे जाने की घटना के विरोध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार अवार्ड लौटा दिया है। कांग्रेस की सरकार के समय वर्ष 2008 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अब हिंदी के प्रचलित शब्दों को भी ऑक्सफोर्ड के अंग्रेजी डिक्शनरी में स्थान दिया गया। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किए गए कुछ नए शब्दों को आज सार्वजनिक किया गया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जोड़े गए 600 से ज्यादा नए शब्दों में चना और चना दाल भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे खत्म होने के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है कि अमेरिका दक्षिण एशिया में सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत को जरूरी संसाधन एवं तकनीक मुहैया कराएगा। पेंस ने कहा कि बिक्री को मंजूरी देने के लिए प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुलाई में होने वाले इजराइल दौरे से पहले ही वहां उत्साह का माहौल है। इजराइल के एक प्रमुख अखबार द मार्कर ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे अहम प्रधानमंत्री बताया है। बता दें कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला इजराइल दौरा होगा। पीएम मोदी 4 जुलाई को 3 दिवसीय इजराइल दौरे पर रवाना होंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट पर हेलीकॉप्टर से हमला किया गया और ये उनकी समाजवादी सरकार को अस्थिर करने की एक साजिश है। इसे उन्होंने एक आतंकवादी हमला और तख्ता पलट का प्रयास करा दिया। देहरादून की भूमिका शर्मा ने वेनिस में आयोजित वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में विभिन्न देशों की करीब 50 महिला बॉडी बिल्डरों को पछाड़कर भूमिका शर्मा ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले वे मिस इंडिया बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रही थी। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन के निर्माताओं को एक ऑफर दिया है और कहा है कि अगर उन्हें लेकर स्पाइडरमैन बनाएंगे तो निर्माता के पैसे बचेंगे। बता दें कि स्पाइडरमैन होमकमिंग की हिंदी संस्करण में टाइगर श्रॉफ ने स्पाइडरमैन को अपनी आवाज़ दी है। वहीं टाइगर ने कहा है कि बचपन से मेरा सपना है कि अगर मुझे कभी इसका ऑफर मिला तो मैं जरूर ये फिल्म करूँगा। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतने। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़। नमस्कार। देश का सुप्रसिद्ध अखबार महानगर मेल लेकर आ रहा है देश की राजधानी में पहली बार महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड। सोशल वर्क, एजुकेशन, फैशन, बिजनेस, योगा, मनोरंजन, सरकारी
और गैर सरकारी याहू मीडिया में अहम योगदान देने वाले पत्रकार। इस मंच पर मिलेगा सभी क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले लोगों को भरपूर सम्मान। जी हाँ, 27 जुलाई 2017 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा एक ऐसा मंच जो अनेक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को समाज में देगा एक नई पहचान। इस बड़े कार्यक्रम के आयोजक हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रणवीर गहलोत।